अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। तो आज की नई वीडियो हमारे लिए आपके लिए ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करें, कितने मिनट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तीन तरीके का से तीन मेथड होते हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हेडिंग किस तरह की प्लेस होगी हमारे पास, हेडिंग प्लेस होगी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, ये इंप्रेस हो गया। अच्छा, तीन मेथड है, जैसे कि एक फर्स्ट फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन। सेकंड किस तरह का है, फर्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन, ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी काफी मशहूर है, वो है मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, ये काफी नाम मशहूर है आवाम के अंदर। अच्छा, ये तो थी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर, सेकंड कंडीशन ये है कि आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दें। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी फॉर्म इसके अंदर ये है कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, जहां तक बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसकी दो एक्सरसाइज तो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा, और जहां तक बात है फर्स्ट फैक्टराइजेशन की, यानी मिडिल टर्म ब्रेक की, तो उसका चैप्टर मैंने अभी तक अपलोड नहीं करा, लेकिन ये है कि आपको कुछ दो तीन मिसालें, एक दो तीन एग्जाम्पल के मुताबिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, जहां तक कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक भी सवाल नहीं आता जब देखा जाए। अगर आप पास पेपर उठा के देखें या फाइबर अगर उठा के देखते हैं, तो बहुत ही कम है, एक का सवाल आ गया तो आ गया, वरना तो मुश्किल ये कि आपको मिले कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक भी सवाल। हाँ, ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग पर आपको सवाल मिल सकता है। अब जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल है। सबसे पहले मैं आपका फैक्टराइजेशन का जो तरीकेकार वो क्लियर कर दूँ, जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। एक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। इक्वेशन कौन सी लेते हैं हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है जी, इक्वल टू 0। अगर ना भी रखें पोटेंशियल वाली बात नहीं है, तो आपको करना ये है, अब जैसे एक्स स्क्वायर के टर्म आपको देखने कुछ है तो नहीं, अगर कोई नंबर इसके साथ कोई कोफिशिएंट है, अगर नहीं है तो आप 1 सपोज करें, उस 1 को आप लास्ट फाइव नंबर कॉन्स्टेंट से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। जैसे कि 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 6, तो आपने यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, 6 आ गया। अच्छा, यहाँ पर करना यह है कि जो लास्ट टर्म आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, आप उसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकालने की सोच में होगा ये कि आप 2 3 6, 3 1 3। अब आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो फैक्टर्स बन सकते हैं आपके। हमें ऐसे दो नंबर्स को पिक करना है एलसीएम लेने के बाद कि अगर हमको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास लास्ट टर्म आ जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने वाली, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है जी। तो आपको करना ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, तो अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 6 आंसर आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास सही है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर हम 3 और 2 को प्लस करते तो 5 बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास 5 बन रहा है। तो आप करेंगे ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, ये जगह क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3x प्लस का 2x, जब 2x प्लस 3x को ऐड करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस 5x बन जाएगी। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x प्लस 3 अंदर बन जाएगा। किस तरह फैक्टर किस तरह बनता है कि नीचे वाली वैल्यू से आपको ऊपर वाली वैल्यू को बनाना पड़ता है, यानी ऑटोमेटिकली ऊपर वाली वैल्यू बनी हुई तो है, लेकिन आपको इस तरह बनानी है, उसको इस तरह फैक्टराइज करना है कि नीचे वाली वैल्यू से आप ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली बना रहे हो। जैसे कि आप इस x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस साइन, आप इस x को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर, ये ऊपर वैल्यू आ गई। ठीक है जी। इसी तरीके से आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें, एक्स प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है जी। जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 6। ठीक है जी।
अब यहां से एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लीजिए और यहां से एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरीके इसको आप जीरो के बराबर रखें तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस थ्री और एक आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू माइनस टू। तो इस तरह आप इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये आसान तरीके का था, कोई मुश्किल बात भी नहीं है, सिर्फ आपको दो नंबर्स को पिक करना और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है कि प्रोडक्ट आपके पास बन जाए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें या माइनस करके आपके पास मिडिल टर्म की मिडिल टर्म वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा ये तो टॉपिक हमारा यहाँ तक कम्प्लीट। अब हम एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं 3.3। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, इसका सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा आपने एक हेडिंग पढ़ी होगी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हेडिंग काफी मशहूर है इस एक्सरसाइज के अंदर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है जी, यहां में लिख देते वन। और जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होती है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है, तो हम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखेंगे। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि रूट के साथ थ्री नंबर लिखा होता है, स्क्वायर के साथ जो है टू लिखा हुआ होता है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे वन अपॉन थ्री, यानी कि क्यूब रूट लिखा है, वन का रूट क्यूब रूट ले रहे हैं तो उसको हम किस फॉर्म में तब्दील करते हैं, वन अपॉन थ्री के अंदर तब्दील कर देंगे। इसी के साथ ही अगर हम इसको लेट कर लें, इसको एक्स के साथ हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है जी, x के साथ को हम सपोज कर लेते हैं, तो अब दोनों का जब क्यूबिंग करेंगे तो x की x क्यूब हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 1, ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। जब इस 1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू बच जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे x क्यूब माइनस 1 को, तो आपके पास यहाँ दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, तो एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 और एक वैल्यू आएगी आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दो वैल्यूज आपके पास बनेंगी, यानी कि एक ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, यहाँ पर इस जगह पर आपका एक फॉर्मूला बन रहा है। ये x कहाँ से आया, जब आप इस x को 0 के बराबर रखेंगे तो वहाँ पर 1 की 1 को साइड लेके जाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप इस फॉर्म में आएंगे, जब आप इस लाइन इस इक्वेशन के पास आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनती हुई नजर आ रही है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये फॉर्म है। अब यहाँ पर हमारे पास जब जैसे कि स्क्वायर का फॉर्मूला था क्यूब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास दो टर्म्स आती है, यानी कि दो टर्म्स हमारे पास का आंसर बनता है स्क्वायर के अंदर ना। लेकिन जब क्यूब रूट की बात आएगी तो वहां पर हमारे पास तीन आंसर बने, यानी हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी ना वो तीन आएंगी ना कि दो, ठीक है जी। एक x की वैल्यू आपके पास तो ये ऑटोमेटिकली आ गई x इक्वल टू 1, दूसरी आप इस फॉर्मूले के तहत जिसको जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज निकलेगी, एक वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये दो वैल्यूज आपके पास आएंगे x की, ये दो वैल्यूज बनेगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी, ठीक है जी, ये दो वैल्यूज बनेगी। जब ये दो वैल्यूज आपके पास बनेंगी तो आप देखें कि आपके पास x की वैल्यू क्या थी, x का जो मैक्सिमम x की जो डिग्री थी आपके पास वो कौन सी थी, डिग्री 3 थी, तो डिग्री 3 के अंदर आपके पास आंसर कितने आएंगे, तीन आंसर आएंगे, यानी x की वैल्यूज के आपके पास तीन आंसर होंगे, तीन वैल्यूज होंगी, एक x की वैल्यू 1 होगी और बाकी ये दो वैल्यूज होगी। ये आयोटा का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसमें बात नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अब जिस तरह आयोटा किस तरह आया, आयोटा अब जैसे कि यहाँ पे माइनस 3 लिखा हुआ, अंडर रूट माइनस 3, माइनस साइन को रूट माइनस साइन को रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, आयोटा लगा देंगे। दूसरी फॉर्म दूसरा तरीके का क्या होता है कि आप इसको क्या करोगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 3 बनेगा,
तो अंडर रूट माइनस वन किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो आप तब भी इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस वन थ्री आयोटा के बराबर होता है, आप आयोटा लिख सकते हैं बराबर। तो ये थी थोड़ी सी कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताई, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर दो नंबर आपके पास पिक होते हैं, दो नंबर आपके पास यहाँ पर आते हैं, वो दो नंबर आपके पास यहाँ पर कौन कौन सा, एक आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक आता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, जिस तरह आयोटा आया, इसी तरीके से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, ओमेगा, ठीक है जी। इसका नाम क्या है, ओमेगा। अब ओमेगा जिस तरह आयोटा आया, इस तरह ओमेगा भी है, एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ओमेगा इस जगह पर आपके इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होगा, इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। किस तरह होगा कि अब एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वन आ रही है, तो दूसरा हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ओमेगा के बराबर रखेंगे। सिंपल सी बात है, बस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही थी, पहली वन आ रही थी, लेकिन दूसरी आपके पास क्या आ रही है कि ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर आ रहा है आपके, वन प्लस अंडर रूट थ्री रूट आयोटा अपॉन टू के बराबर आ रहा है। तो ओमेगा, तो दूसरी वैल्यू किसके बराबर आएगी, दूसरी वैल्यू उसके बराबर आएगी क्या आप इन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। जब आप इन दोनों की तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब एमसीक्यू, ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सारी बातें एमसीक्यू के हवाले से बात की जाती है, ठीक है जी। ये सारी बातें एमसीक्यू के हवाले से करो ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। जब आप ओमेगा में इस वैल्यू में स्क्वायर पुट करेंगे, जब स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसको आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपके पास बन रही है ना, वो ये आएगी माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, आपके पास ये वैल्यू बनेगी पूरी पूरी, ठीक है जी। तो ओमेगा वन, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़नी होगी, ठीक है जी। अच्छा, दो कैटेगरी आती है हमारे पास, एक आती है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक आती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये हमारे पास तीन होते हैं, वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर आपसे एमसीक्यू से पूछा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, तो ऑप्शन में आपके पास गिवन होंगे वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों एक साथ गिवन होंगे, तो आप इसके ऊपर टिक लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आप क्या कहेंगे, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, वो दो होते हैं, ठीक है जी। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं, ठीक है। अब आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, क्या है, तो आप बता देंगे कि ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अब करना यह है कि अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, मैं कुछ इसकी तकरीबन चीज है, तीन से चार प्रॉपर्टीज है, वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं इन्हीं की। पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, वन ओमेगा, वन प्लस ओमेगा, सॉरी, वन प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो के बराबर होता है। ये सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये सम ऑफ, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम, यानी इन तीनों का सम किया जाए तो किसके बराबर होता है, हमेशा जीरो के बराबर होता है। इन्हीं के अंदर से तीन प्रॉपर्टीज मजीद निकलती हैं। एक प्रॉपर्टी क्या निकलती है कि अगर आप ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ ले जाए तो वन प्लस ओमेगा बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, इसी तरीके से अगर आप ओमेगा स्क्वायर को तरफ ले जाएं तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाता है माइनस ओमेगा के, ठीक है जी। और इसी के अंदर एक और लास्ट निकलती है कि अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के, आप वन को तरफ ले जाए माइनस वन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मजीद तीन निकलती है इसमें से, तो ये कहलाता है क्यूब सम ऑफ द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो कौन सा है, वन प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। ये दो चीजें हमारे पास। अच्छा, एक मशहूर है ओमेगा क्यूब,
ऑलवेज इज इक्वल टू वन, हमेशा वन के बराबर होते हैं। जब भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास आएगी वहां आप क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा एक और आता है कि अगर ओमेगा का इनवर्स किया जाए, ओमेगा को वन अपॉन में लिखा तो वो किसके बराबर होता है। बात की जाती है वन ओमेगा, वन अपॉन ओमेगा ओमेगा के बराबर होता है, सॉरी वन अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, वन अपॉन ओमेगा के। यानी ये इसका रिवर्स चल रहा है ना, रिवर्स का मतलब, इनवर्स का मतलब क्या, रिवर्स चलना। अगर वन अपॉन ओमेगा बराबर है ओमेगा स्क्वायर के तो आपके पास एक वैल्यू बनेगी वन, वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर तो किसके बराबर होगा, ओमेगा। ये थोड़ी सी, अच्छा ये तो नहीं, ये थोड़ा सा चेंजिंग मैंने करी है इसके अंदर, चेंजिंग नहीं है, एक इजाफी आपको मैंने नॉलेज दी है, एक मजीद इजाफी दी है कि आपको पता चले कि हाँ कौन सी बराबर होती है। अगर इसी को ही आप मल्टीप्लाई करा दे वहां जाके तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो यही वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है नहीं। अच्छा इसी तरीके से ये कुछ चीजें ओमेगा क्यूब बराबर वन अपॉन वन के, वन अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरीके से वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आपके पास सामने, अच्छा ये सारी डिस्कस, ये थी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी इसकी ना, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह थी। अगर इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एक सवाल मैंने आप पीछे आपको जो बताया कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को आप सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसमें लगा के फॉर्म्स को फॉर्म करते हैं, एक काम करता हूँ इस हिस्से को मैं करा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर ऐड हो रही है, ठीक है नहीं। आपको इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है जी। आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई वन, बी की वैल्यू भी वन है और सी की वैल्यू भी वन आपके पास, ठीक है जी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अच्छा माइनस वन, माइनस बी, माइनस साइन अभी बी हमारे पास वन है, प्लस माइनस अंडर रूट वैल्यू क्या, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस साइन फोर वन एंड वन डिवाइडेड बाय टू इंटू वन, ठीक है जी। एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर वन माइनस फोर, ये सब पूरा हो जाएगा फोर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है जी। और एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू। अब देखें वही बात जो मैंने आपसे कही थी, सेम वही अल्फाज आ गया आपके पास, सेम वही वर्ड आ, वही सोल्यूशन आपके पास आ चुका है कि सिर्फ हमने इसको सॉल्व करा है, बस सीधी सीधी बात। जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ये तो सिर्फ सिंपल सी इक्वेशन थी जो आसानी से सॉल्व हो गई हमसे, लेकिन इसके अंदर सॉल्व तो थोड़ा यहाँ अगर आप इसके सवाल करते हो तो मुश्किल हो जाती है, मुश्किल भी नहीं होती, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना आपका, क्या हाँ ये चीज कहाँ पर ऐड लगती है, जैसे कि ओमेगा कहाँ आएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ ऐड होगी, कहाँ किसके बराबर होती है, या आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई भी सवाल, इस एक्सरसाइज का कोई भी सवाल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है जी। आपको करना क्या है, अब देखें ये हमें माइनस साइन खत्म करनी है, माइनस साइन खत्म किस तरह करेंगे, तो उसको आप यूं भी कर सकते हैं कि अंडर रूट वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दें। तो अंडर रूट माइनस वन किसके बराबर था, आयोटा के बराबर होता है, तो आपने क्या कर दिया, अंडर रूट थ्री आयोटा लगा दिया। तो एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है जी। आप देखिए एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक वैल्यू माइनस में आ रही है। अब वो जो वैल्यू थी पहले x इक्वल टू वन, वो तो एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आप x को बराबर रखें माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और एक वैल्यू आपके पास है माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, तो ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी ओमेगा के, और ये वाली वैल्यू आपके बराबर रहेगी ओमेगा स्क्वायर के। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही थी कि आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सवाल को भी आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है जी। ये तो था आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगी इसका एक्सरसाइज, ऐसा कुछ सवाल तो काफी डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके लाजमी बताएं,
चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।